is doing fine. So primarily अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अब चेंज्ड सिनेरियो दैट इज द टैरिफ बेस्ड सिस्टम. अब इस नए सिस्टम में आप पिछले दो महीने से इन इफेक्ट ऑपरेट भी कर रहे हैं. हाउ इज इट डिफरेंट, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू ऑपरेशनली फाइनेंशियली? वेल इमीडिएटली तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें आ रहा है और हर एक को थोड़ा बहुत आएगा, इसलिए कि जो जिस बेसिस के ऊपर डिलीशन प्रोग्राम या टैरिफ बेस डिलीशन प्रोग्राम हटा और टैरिफ बेस सिस्टम आया, उसके तहत ये था कि कोई भी अगर ऑटोमेकर जिसने कोई पार्ट लोकलाइज किया हुआ है तो उसको वो TBS में आ गया, और दूसरा ऑटोमेकर अगर उसको इम्पोर्ट कर रहा है तो उस पर वो ज़रा ज़्यादा ड्यूटी लागू हो रही थी. तो उसमें हमारे ऊपर भी वो हो रहा है, और तकरीबन 5,000 से 8,000 रुपये तक गाड़ियों पर हमें भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है. Lekin on the higher side, of course, on the higher side. Now what it is doing is it is making us go towards more of localization, taaki insaan you know companies ye cha rahi hain ki jo bhi jo parts hain jo jo dusre localize kiye hue hain hum bhi unko localize kare. So in the long run, even though bhi ek short run mein choti si cost izafa, in the long run ye behtar rahega bilkul, absolutely, industry ki development ke liye, industry ke liye. Acha jo under invoicing और स्मगल गुड्स का अंदर आना, ये वो क्या TBS उसको भी कुछ हद तक कटेल करेगा? TBS मतलब TBS का तो एक रैशनलाइजेशन आ जाएगी ना प्राइसिंग की पार्ट्स वगैरह के लिए. बिल्कुल वो कमर्शियल इंपोर्ट्स के लिए अगर आपका यू नो यू आर अल्यूडिंग टू के स्पेयर पार्ट्स जो कमर्शियल इंपोर्ट्स के थ्रू आते थे, आई होप के दैट विल बी द केस बिकॉज लेकिन इतने ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर कोई पता लगता है कि कंसाइनमेंट अंडर इनवॉइस होकर आ रहा है तो द फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल फॉर यू टू मेक अ बिड फॉर दोज कंसाइनमेंट्स. आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें हमने अब इसी सेल्स की ऑलरेडी हमने बात की कि 28% का इजाफा है. वो आपने बताया कि देयर डिफरेंट रीजंस, उस पर एक्चुअली विल टॉक इन डिटेल अबाउट कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, मार्केट का स्पेक्ट्रम क्या है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में तकरीबन 24% का इजाफा है, क्या मेजर वजूहात थी? वेल एसेंशियली यू नो एवरीथिंग ऑन द कॉस्ट साइड, वी फेल्ट के स्टील प्राइसेस वगैरह बढ़ी थी हमारे पर, तो उसका भी इम्पैक्ट आया था. दूसरी लोकल कॉस्ट यू नो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ी हैं, वी हैव अ हायर मैन पावर बेस नाउ, राइट? So all in all, although our gross margin is reasonable, you know, compared to the industry as well as versus the last year, but overall, I think we have benefited, of course, by exchange rate. Yen rupee ke favor mein raha hai. The yen ki weakening se aapko fayda hua hai. Kya market segments hain jin mein aage ja ke inke products, ek to obviously they have the Core and then Corolla jo hai, kin segments mein it's expected to do well aur inki kya strategy, is par baat karenge. But right here, we'll take a break. Dekhte rahiye Power Lunch. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पावर लंच. मैं जुनैद इकबाल, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज गयास साहब, सीईओ ऑफ इंडस मोटर्स. परवेज साहब, विच सेगमेंट्स आर डूइंग बेटर राइट नाउ? ऑब्वियसली कोरे जो है वो लोअर एंड प्रोडक्ट है, और सुजुकी भी उस प्रोडक्ट में काफी स्ट्रांगली जा रहा है. जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं, उसका इमीडिएटली जो इम्पैक्ट हम देखते हैं कार सेल्स पर, कि बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं और उनके घर वाले गाड़ी खरीदें, यूजुअली वो लोअर एंड में आ रही है. और कल्टस की भी सेल्स में हमने काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है. हाउ इज कोरे डूइंग और उसकी पोजीशनिंग कैसे हुई हुई है एज कंपेयर टू सुजुकी के प्रोडक्ट्स? और अब नॉट टू फॉरगेट जो एक्चुअली लेट्स गो टू लोकल असेंबली कंपटीशन फर्स्ट, देन विल कम टू इंपोर्टेड. देखिए जुनैद, इस वक्त हमारे पास दो ही मॉडल्स चल रहे हैं, कोरोला और वेरियंट, अपना कोरे जिस तरह आप कह रहे हैं. हाइलक्स डिसकंटिन्यूड है, उसका नया जो वर्जन है वो under planning hai, inshallah next year that will be online. Within Corolla there are six variants, right? Ek 1300 cc mein do hain. Pehle let's stick to the lower end. Lower core pe aate hain hum log. Acha, core pe jo hamari is waqt positioning hai, it's at a slight premium to Mehran, right? And then this is the kind of a premium we have maintained for the last several years. 10-15% ऊपर रहते हैं, और ऑल्टो से हमारी प्राइसिंग नीचे होती है. सो वी आर रियली समवेयर इन द मिडल ओवर देयर, राइट?
अब जबकि हमारे पास हाइलक्स नहीं है इस साल, तो उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो हम कोरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कोरे की क्या आप कंपेटिटिव प्राइसिंग करेंगे? नहीं, प्राइसिंग तो जो है इस वक्त है, बिकॉज दैट इज व्हाट द मार्केट वांट्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम डबल कर रहे हैं। सो इस साल कितनी कोरे बनाएंगे रफली? इस साल तकरीबन 6,000 कोई कुछ थी, तो अब हम 12,000 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इज देयर एन एपेटाइट इन द मार्केट फॉर 12,000 कोरेस? वी थिंक देयर इज, यू नो, आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोअर एंड मार्केट में है बाइट, तो वी वांट टू कम्पीट इन दैट मार्केट। सो फॉर ऑल दीस इयर्स एक प्रीमियम हमने एक ब्रांड अपना बनाया है वहां पे, तो वी आर बुलिश। और ऑब्वियसली 800 सीसी में आती है। जब 800 सीसी और 1000 सीसी में प्राइस डिफरेंशियल कितना कितने परसेंट का है रफली? लेट्स से कल्टस जो है, कल्टस से आप हाउ फार अवे आर यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस? ऑफ हैंड ऑफ एग्जैक्टली मुझे प्राइस नहीं, बट आई थिंक एटलीस्ट 25% एटलीस्ट 25%। सो दैट्स गेटिंग इनटू द 800,000। तो 800 सीसी की जो मार्केट सेगमेंट है, उसमें जो जंप फैक्टर है कि एट व्हाट पॉइंट जब किसी के हाथ में कैश आता है वो 800 लेने के बजाय डायरेक्ट 1000 पे चले जाता है? एक्चुअली वी हैव नेवर डन दैट एनालिसिस, बिकॉज हम लोग खुद 1000 सीसी में है नहीं, राइट? हम लोग तो लोअर एंड मेहरान और ऑल्टो के बीच में है, और उसके बाद फिर हम 1300 सीसी में आ जाते हैं, एंड हायर देन दैट। तो यू थिंक 800 सीसी में भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल? 800 सीसी में होता है ये कि जो पहली कन्वर्जन है, जो कि जिसके पास फैमिली मोटरसाइकिल है, वो कन्वर्ट करता है अपने आप को मेहरान के लिए या कोरे के लिए, राइट? तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तकरीबन आपके मोटरसाइकिल्स को 4 लाख के करीब उनकी प्रोडक्शन हो रही है और सेल हो रही है, तो वन एक्सपेक्ट्स के इसमें होगी। अगर हर साल उसमें से 5% लोग भी जंप करें और बाकी लोग रेमिटेंसेस पे या फाइनेंसिंग पे। एंड द अदर थिंग इज कि यहाँ पे अपना जो मोटराइजेशन लेवल है स्टिल सो लो कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज, श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान। मेरे ख्याल हमारे रोड ज्यादा होंगे, इसलिए आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग द ब्रंट ऑफ द मोटराइजेशन। मतलब पर कैपिटा इतनी नहीं होगी, लेकिन पर किलोमीटर ऑफ रोड डैमेज रोड्स बहुत हाई होगा। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू वन मोर क्वेश्चन। कोरे में जो आप डबल कर रहे हैं कैपेसिटी, इसमें सीएनजी फिटेड कितनी होगी? जी वो तो विल हैव टू सी विद द मार्केट, बट क्लियरली आई थिंक इस वक्त मार्केट में सीएनजी की बहुत डिमांड है, एंड वी एक्सपेक्ट तो 50% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, के जो एडिशनल 6000 है इसमें मोर देन 50% सीएनजी फिटेड होगी। वेल आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन, दैट इज परहैप्स रीजनेबल टू अज्यूम दैट काइंड ऑफ अ नंबर। सिग्निफिकेंट सीएनजी की तरफ डिमांड है। करोला, obviously your flagship product, हमेशा से it's doing really well in the market, उसकी sales भी बहुत अच्छी गई है। Highest end product जो आपने करोला का निकाला था Altis, that did not do very well. I'm not so sure to say कि Altis did not do well. It's relative to what, because सबसे पहले करोला ने एक 1800 सीसी का एक variant introduce किया था market में। There is a market perception के because all Corollas look alike, तो लिहाजा वो 1800 सीसी की जो है वो भी उसी तरह की जिस तरह की 1300 सीसी की है बॉडी शेप में, तो वो एक परसेप्शन है। बट यू हैव टू सी द इंजन, द परफॉर्मेंस ऑफ 1800 सीसी। 1800 सीसी मार्केट में जब कोई एंटर कर ही जाता है, और Altis की जो प्राइसिंग है उसी विसिनिटी में, जब उससे कोई और इंपोर्टेड गाड़ी है, लेट्स से एक आध साल पुरानी चली हुई बड़ी एसयूवी या कुछ साल चली हुई जर्मन व्हीकल्स मिल जाती हैं, सो डू यू थिंक आपकी कोर कॉम्पिटेंसी फिर भी है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल वहां पे इम्पैक्ट आता है, इसलिए कि अब आप ये लास्ट ईयर का एक सिनेरियो देखें, प्रीमियोस बहुत इम्पोर्ट हुई है, ठीक है? अब हम लोग 13 लाख 14 लाख की अगर Altis है, तो वो प्रीमियो एक 3 साल पुरानी 17-1800 की लाख की भी मिलती थी, ठीक है? इसके अलावा डीजल में जो काफी हमारा हॉट सेलिंग वो है 2.0D जो भी जो लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट हुआ था, इसलिए कि लैंड क्रूजर्स और प्राडोज 7-8 साल पुरानी वो भी 16-17-18 लाख की मिल रही थी, तो यकीनी बात है कि जो 2000 सीसी का डीजल ले रहा था वो 3-4 लाख रुपए